नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा। अज़ीज़ुल क़द्र नाज़रीन, हाज़िरीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सनत हज़ार यानि सन 2018 के सितंबर महीने में, तकरीबन 3-4 महीने कबल, हमारे शेखुल इस्लाम ट्रस्ट की पूना ब्रांच ने एक एप्लीकेशन तैयार किया था दुरूद शरीफ के ताल्लुक से, जिसका मकसद ये था कि आप हम सब ज़्यादा से ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना अकीदत शेखुल इस्लाम ट्रस्ट के प्लेटफॉर्म पर जमा करें और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत महीने में उसे शेखुल इस्लाम ट्रस्ट के बानी व मबानी, उसके सरबराह आला मेरे वालिद बुजुर्गवार हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की ज़बान पाक तर्जमान से वसीला दर वसीला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुँचाएँ, और वो हजरात और वो माएँ बहनें जो सबसे ज़्यादा दुरूद भेजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, ऐसे 12 अफराद को हम निकालें और उनकी एक फहरिस्त बनाकर उन्हें हम ज़ियारत उम्रा के लिए भेजें। तो हमारी ये ख्वाहिश थी कि जब हमने ये एप्लीकेशन लॉन्च किया था उसी वक्त हम ये बताना चाहते थे कि जो सबसे ज़्यादा दुरूद भेजेगा, दुरूद पढ़ेगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उसे हम उम्रा की ज़ियारत पर भेजेंगे, उम्रा और ज़ियारत के लिए भेजेंगे। लेकिन मेरे वालिद बुजुर्गवार हुज़ूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन ने मेरी इस्लाह फरमाई और मुझे समझाया कि बेटा नबी के दर पर, बहुत गौर से सुनिएगा, हज़रत ने क्या इस्लाह फरमाई कि नबी के दर पर जाने के लिए नबी के का दुरूद का सहारा लेना ये नबी के उम्मती की शान नहीं है। नबी के दर पर आपको जाना हो और आप नबी के दुरूद की लालच में कि हम नबी का दुरूद ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमें नबी के दर पर जाने का मौका मिलेगा, ये नबी के उम्मती की शान नहीं है, बल्कि नबी के उम्मती की शान ये है कि वो नबी की मोहब्बत में नबी पर ज़्यादा से ज़्यादा। तो मुझे ये बात अबू जान की ये बात समझ में आई, और हमने उस वक्त जब हम ये एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे थे उस वक्त हमने इसका जिक्र भी नहीं किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज देखिए गुलामाने नबी की मोहब्बत देखिए, उमड़ता हुआ सैलाब दुरूद शरीफ की शक्ल में हमारे पास मौजूद है, जिसका आज ऐलान हम आपके सामने करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 से 3.5 महीने में हमारे पास, हमारे शेखुल इस्लाम ट्रस्ट के पास 4,32,50,544 पेश हुआ है। एक बार दोबारा मैं अर्ज करूं, आप थोड़ा खामोश रहें ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए, 4,32,50,544 जिसमें हमने, हमारी शेखुल इस्लाम ट्रस्ट की पूना ब्रांच ने, हमारे हाफिज साहब ने, हाजी अल्ताफ साहब ने और दीगर हजरात ने मेहनत करके इसको सेट किया और निकाला, जिसमें हमारी 6 माएँ बहनें हैं और 6 हजरात हैं, बुजुर्ग मर्द हजरात हैं, जिनका नाम और उन्होंने कितना कितना पढ़ा है ये भी आज हम बताएंगे, और आखिर में मेरे वालिद बुजुर्गवार हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन की ज़बान पाक तर्जमान से हम इन तमाम दुरूद को अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। तो इसमें पहले हम माओ बहनों का जिक्र करें कि सबसे पहले मुल्ला आसमा बानो हुसैन, जो कि गुजरात, सूबे गुजरात के डबोई से रहने वाली हैं, जिन्होंने माशाअल्लाह 20,00,000 दुरूद शरीफ का नजराना पढ़ा। और दूसरे नंबर पर है सोगरा महमूद शेख, जो कि खुद आपके पूना की रहने वाली हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 8,10,000 दुरूद पाक का नजराना पेश किया। नंबर 3 पर है इकबाल बीबी, जो कि
बोरसद की रहने वाली है, गुजरात, सूबे गुजरात का एक शहर है बोरसद। उन्होंने 4,786 दुरूद पढ़ा है, भेजा है। नंबर 4 पर है सैयदा सलमा सुल्ताना अशरफी, जो कि निल्लौर आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। उन्होंने 2,80,320 दुरूद शरीफ भेजे हैं। नंबर 5 पर सैयदा गौसिया अशरफी, जो कि गुजरात बड़ौदा की रहने वाली है। उन्होंने 1,24,000 दुरूद का नजराना भेजा है। और आखिरी है आमिना खातून, हॉलैंड, इंडिया के बाहर से है। इन्होंने 50,000 दुरूद पाक का नजराना अकीदत है। अब मर्दों में नंबर पहली पोजीशन जिनकी है वो सैयद मुख्तार हनीफ मियां कलमसर, ये गुजरात में एक गांव है कलमसर, सैयदों का गांव है उनका है। उन्होंने पढ़ा है 2,92,550 दुरूद। और दूसरी पोजीशन पर, दूसरे नंबर पर है मौजूद अशरफी, महबूब नगर आंध्र प्रदेश, जिन्होंने 2,13,120 दुरूद शरीफ पढ़े हैं। नंबर 3 पर है नियाज अशरफी, जिन्होंने 97,97,170 दुरूद शरीफ पढ़े। नंबर 4 पर शेर मोहम्मद साहब, जो कि हॉलैंड से हैं, उन्होंने 50,000 दुरूद पाक भेजे हैं। और नंबर 5 पर अब्दुल अजीम बेग अशरफी, जो कि आपके शहर पूना से रहने वाले हैं, ताल्लुक रखते हैं, 41,530 दुरूद पाक इन्होंने भेजे हैं। और आखिरी है हसनैन खान अशरफी, जो कि राजस्थान के डूंगरपुर से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने 35,000 दुरूद पाक भेजे हैं। तो अब हम बताना ये चाहते हैं कि हमारे मर्द हजरात जो हैं, बुजुर्ग हजरात जो हैं, उनके लिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन हमारी माँ बहनें जो हैं उनका मसला है, वो अकेले नहीं जा सकती हैं। तो उनके लिए या तो उनके उनके शौहर हो, या उनके वालिद हो, या उनका भाई हो, या कोई एक किसी एक का होना ज़रूरी है। लिहाजा इसमें जिन औरतों का नाम है उनका इंतजाम व इंसराम उमरा पर जाने के लिए हमारा शेखुल इस्लाम ट्रस्ट करेगा, लेकिन उनके साथ उनके एक महरम के तौर पर उसका इंतजाम उन्हें खुद करना होगा। और अगर वो अपने किसी महरम का इंतजाम नहीं कर पाते हैं तो अपनी जगह वो अपने वालिद को भेज दें, या अपने भाई, या अपने शौहर, या जिसे वो चाहे अपनी जगह वो किसी एक का इंतखाब हमें बता दें करके, तो इंशाल्लाह हमारा शेखुल इस्लाम ट्रस्ट उन्हें ज़ियारत उमरा के लिए भेजेगा। अब हम हजरत से गुजारिश करेंगे कि हजरत من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأبطال. بارك الله خدا عندنا یہ انتہائی ضعیف کم ترین اپنی ناقص زبان سے جتنے یہ درود شریف پڑھے گئے ہیں جس کا ذکر انہوں نے کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان تمام درود شریف ان کے پڑھنے والوں کو بڑے سے بڑا اجر عطا فرمائے، اور پھر سارے اجر کو اپنے محبوب کی بارگاہ میں سب کی طرف سے نظر پیش فرمائے، اور پھر محبوب سے ان کے سامنے سارے آل و اصحاب ازواج کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچے، اور پھر سارے اصحاب و ارواح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جو اپنے امتیوں سے بہت پیار کرتے ہیں،
روئے زمین پر جتنی امتی ہیں ان سب کو اس کا ثواب دے، سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمان اولیاء کرام شہداء صدیقین صالحین سب کے ارواح طیبہ کو اس کا ثواب دے، بالخصوص یہ جو سلاسل اربع ہے، قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی اور ان سے لگے ہوئے جو جتنے سلاسل ہیں ان کے بزرگوں کو بھی اس کا صلاح پہنچا ہے، اور بالخصوص سیدنا غوث پاک، سیدنا خواجہ اجمیری، سیدنا آقائے نقشبند، سیدنا مولا سہروارد، ان کے اور ان کے تمام متعلقین کو اس کا اجر پہنچائے اور سب کو اجر پہنچاتے ہیں ان تمام درود کا اپنے بندے مولانا اقبال اشرفی کی روح کو پہنچا اور ان کے سارے متعلقین کو، ان کے آبا و اجداد کو، ان کے مشائخ کو، سب کو پہنچائے، اسے فضل کرتے نہیں رہتے، مایوس ہو اسے امیدوار، ان اللہ ملائکہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، صلی علی سیدنا کفینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علی المرسلین، الحمد حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا، حشر میں